अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मदीना जा रहे हैं ज़ारत के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। يلا يا حاج، حركة يا حاج، استعجل يا حاج. ये देख सकते हैं सब कब्र। Thank you.
السلام عليكم أهل القبول. هلا يا زاير، امشي يا زاير. السلام
السلام عليكم ورحمة الله. أهل كابول. اسمه همارة حضور صلى الله عليه وسلم کا قبر مبارک ہے. سکتے مدینہ کا باہر سے لوگ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں. اسی کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے. ادھر سے ایگزٹ ہو رہے ہم لوگ زیارت کر کے. أشهد أن محمدا رسول الله.
होते थे। ये देख सकते हैं हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया करते थे। यही वो मुबारक जहाँ जगह है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। माशाल्लाह अंदर का व्यू देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ पर भी दौरे करना फिर पढ़ा जाता है पहले नमाज हम लोग अंदर की तरफ जाने के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। ऊपर से दौरे नफिल पढ़ने के बाद आगे की ओर जाएंगे। फिर मदीना एंट्री मारे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा। कहाँ ई कब्रिस्तान कट हाँ हम ले लिए फोटो 365 ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रंट से फुल मस्जिद का व्यू। यही बाहर से देख सकते हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ से ये एंट्री गेट है, यहाँ से बाहर से जो हम लोग अंदर जा सकते हैं वही है ये। ये देख सकते हैं माशाल्लाह क्या खूबसूरत है नज़ारा, देख सकते हैं। अल्लाह सब मुसलमान भाइयों को आने की तौफीक अता फरमाए। देख सकते हैं ये बाहर से है मस्जिद कुबा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये लोग एंट्री गेट है, यहाँ से सब आ रहे हैं।
देख सकते हैं। मस्जिद कुबा माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो उठनी यहीं बैठी थी, तो वसल्लम की पहली मस्जिद जो है ये यही है, मस्जिद कुबा देख सकते हैं। माशाल्लाह इधर से आउट होने का रास्ता है, एग्जिट होने का। यही मस्जिद कुबा है जहाँ पे हुजूर सल्लम की उठनी मुबारक बैठी थी, ये वही जगह है। तो उमरा के बाद यहाँ पे ज़ियारत के लिए आने के बाद यहाँ पे दो रिकात नफिल नमाज पढ़ा जाता है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। सकते हैं जो ओल्ड मस्जिद है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उठनी बैठी थी ये यहीं पे बैठी थी उठनी, तो यहीं पे वो मस्जिद तामिर हो गया था। ये सबसे पहले इस्लाम का मस्जिद है, आप देख सकते हैं। अल्लाह सबको आने का तौफीक अता फरमाए।